नमस्कार, वीकेवी न्यूज के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नागपुर क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की शानदार कामगिरी, दुपहिया वाहन चोर के गिरोह से 27 दुपहिया वाहन बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। रमाई घरकुल योजना के लाभार्थियों के न्याय के लिए नागपुर में भाजपा का मोर्चा। और बेलतरोड़ी में व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने एक बड़ी कार्रवाई का पर्दाफाश करते हुए एक गाड़ी चोरी और बिक्री करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की कुल 27 दुपहिया वाहन क्राइम ब्रांच द्वारा बरामद की गई। नागपुर से दुपहिया वाहन चुराकर बाहर बेच देने वाले गिरोह का नागपुर क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने पर्दाफाश किया है। मिली जानकारी के मुताबिक कलमना में चोरी गए वाहन का भिवापुर में होने का क्राइम ब्रांच को पता चला। जब क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को धर दबोचा तब इस मामले का पूरा खुलासा हो पाया। आरोपियों से कढ़ाई से पूछताछ के बाद कामठी के जाकिर हुसैन को गाड़ी बेचने की बात पता चली, जो गाड़ियों के चेचिस नंबर बदलकर इंजन नंबर भी बदला देता था और इन गाड़ियों को बेच देता था। इस बात का खुलासा होते ही कुल 27 गाड़ियों को क्राइम ब्रांच ने जब्त किया, जबकि इस मामले में 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें हमको पता चला कि कलमना में जो गाड़ी चोरी हुई है तो वो भिवापुर में दो लड़कों के पास में है। गुप्त बातमीदार से माहिती मिली, फिर हम भिवापुर गए स्टाफ के साथ में टीम लेके और वहाँ पे दो लोगों को हमने धर दबोचा। उसके बाद में उनको फिर जो पूछताछ किए, इंट्रोगेट किए, तो उन्होंने बाकी आरोपी के नाम बताए। उसमें एक कामठी का जो है वो जाकिर हुसैन करके एक आरोपी है, जो गाड़ियाँ चोरी की गाड़ियाँ बिकट लेता है और वो दूसरी तरफ बेचता है। तो ऐसे हमने करीबन 6 आरोपी इसमें पकड़े हैं और इन 6 आरोपियों के पास से टोटल 27 गाड़ियां हमने जब्त की हैं। अभी आरोपी जो बार बार गाड़ियां बेचते हैं, तो चोरी की गाड़ियां जो लेते हैं, तो उसके लिए हमने उसमें सेक्शन भी बढ़ाए हैं। जो पैसे पहले 379 था तो अभी उसमें 413 ये भी सेक्शन बढ़ाया है। और ये जो आरोपी हैं इनकी मोडस ऐसी है कि ये जो है गाड़ियाँ चुरा के लाते हैं, उसके बाद में गाड़ियों के इंजन नंबर चेसिस नंबर घिस कर उसे मिटा देते हैं और उसकी जो नंबर प्लेट है वो नंबर प्लेट भी वो बदल देते हैं, उस पर दूसरा नंबर डाल देते हैं। इसलिए कोई पहचान नहीं सकता कि ये गाड़ी चोरी की है। लेकिन हमने कैसा है कि पूरा डीप में जाके, डिटेल में जाके उसमें काम किया और काम करके हमने ये 27 गाड़ी जब्त की है। बुधवार को नागपुर में भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर द्वारा रमाई घरकुल योजना के सभी लाभार्थियों को न्याय की मांग के लिए भव्य मोर्चा निकाला गया। हम इंजन तुम संघर्ष करो, भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पक्ष भारतीय जनता पक्ष रमाई आवास योजनेचं अनुदान हे मिळालंच पाहिजे। रमाई आवास योजनेचं अनुदान हे मिळालंच पाहिजे। तत्पर में भारत माता की वंदे। सरकार सोबत आपण अपेक्षाही कोणत्या ठेवणार आहोत, कारण नागरिकांनी या सरकारला निवडून दिलं नाहीये। आणि नागपुर के संविधान चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए रमाई घरकुल योजना के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा, जहां संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकालकर रमाई घरकुल योजना के लाभार्थियों को न्याय देने की मांग भाजपा द्वारा की गई। मोर्चे के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही, जो राज्य सरकार के विरोध में नारे लगाते देखे गए। योजनेच्या माध्यमातून नागपूर शहरातल्या जवळपास 3,000 लाभार्थ्यांचं 40 करोड रुपयाचं अनुदान मागच्या 2 वर्षांपासून या महाविकास आघाडी सरकारने थांबवून ठेवलेलं आहे।
हे 40 करोड़ रुपयाचं अनुदान तत्काळ प्रभावाने या सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना द्या या एकमेव मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं आज हा भव्य मोर्चा संविधान चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जात आहे. आम्ही आपल्या माध्यमातून या मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारला चेतवू इच्छितो की या सर्वसामान्य दलित शोषित झोपडपट्टीत राहणाऱ्या माणसांना जर त्यांच्या हक्काचं अनुदान तत्काळ प्रभावाने मिळालं नाही तर येत्या काळामध्ये या सरकारच्या एकाही मंत्र्याला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरू देणार नाही. त्यांना सळो की पळो करून ठेवल्याशिवाय राहणार नाही आणि म्हणून त्यांचे 40 करोड रुपयांचं मागच्या 2 वर्षांपासूनचं अडकलेलं अनुदान तत्काळ प्रभावाने द्या या एकमेव मागणीसाठी आजचा हा मोर्चा प्रचंड मोठ्या संख्येनं संविधान चौकातून निघून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जात आहे. नागपुर के बेलदरोड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक व्यक्ति के संदेहास्पद स्थिति से मौत हो जाने का मामला सामने आया. इस मामले में हत्या का संदेह जताया जा रहा है. नागपुर के बेलदरोड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक व्यक्ति की संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया है. मृतक का नाम अरुण घरडे बताया जा रहा है जिसका शव झाड़ियों में पड़ा होने की जानकारी बताई जा रही है. ये हत्या है या दुर्घटना इसकी तफ्तीश पुलिस विभाग कर रहा है. अपने बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत वर्धा रोड राणीकोठी के टोल नाका असं जाण्याच्या रस्त्याच्या डाव्या बाजूला एक बॉडी आहे किंवा एक पुरुष जाती व्यक्ती पडलेला आहे अशी माहिती आम्हाला गावच्या पोलीस पथकाकडनं भेटली होती. त्यावरून पोलीस ताबडतोब तिथे रवाना झाले परंतु त्या इसमाला ओळखणारे कोणीही आमच्याजवळ नव्हते त्यामुळे आम्ही त्याची ओळख पटवण्याचा खूप प्रयत्न केला. त्यावेळेला ती व्यक्ती मृतावस्थेत होती आणि त्यानंतर काही कालावधीनंतर पोलीस स्टेशनला एक मुलगा त्यांचा शोधत आलेला होता. तिला म्हणजे मृतक आहे त्याला माहीत नव्हतं इकडे कोण आहे. तो शोधात आला असता त्याला पोलीस स्टेशनच्या आमच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं वर्णनावरून असा व्यक्ती आम्हाला भेटलेला तर तुम्ही त्याला आणि ते ओळख बघा. त्यावरून मुलगा तिथे स्पॉटवर आला तर त्यांनी ते ओळखलं की ते त्याचे वडीलच होते अरुण गोपीचंद घरडे. त्यांचं वय आहे 53 वर्ष आणि ते एक बोलेरो पिकअप चालक मालक आहे. किरायानी सामान घेऊन जाणे वगैरे असं त्यांचा व्यवसाय होता आणि मुलांकडनं अशी माहिती भेटली की ते एक्सेस दारू पण प्यायचे आणि घरी येण्याचा त्यांचा निश्चित वेळ नव्हता त्यामुळे काल रात्री तो शोधत बसला आणि सकाळीसुद्धा त्या वडिलांना शोधत होता. त्यामुळे आता पोलिसांनी पुढची मर्ग दाखल केलेला आहे आणि पोलिसांतर्फे तपास सुरू झालेला आहे. नागपुर में अवैध रेत उत्खनन मामले में एक ट्रक समेत 2 आरोपियों को 5 पावली पुलिस ने गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी बिना रॉयल्टी से रेत से भरा ट्रक लेकर जा रहे थे. नागपुर के 5 पावली पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले होप हॉस्पिटल के समीप से 2 आरोपियों को रेत से भरे ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी बिना नदी संगम घाट से रेत से भरा ट्रक लेकर आ रहे थे जिसे होप हॉस्पिटल के सामने पुलिस ने धर दबोचा. आरोपियों के पास कोई रॉयल्टी स्लिप नहीं होने के कारण पुलिस ने ट्रक के साथ दोनों को धर दबोचा है. काल आम्हाला पेट्रोलिंग करताना होप हॉस्पिटल जवळ एक डंपर दिसला पिवळा ज्यामध्ये वाळू भरलेली होती. ट्रक क्रमांक MH40BG5343 त्याच्याकडे वाळू भरलेली होती. आम्हाला शंका आल्याने त्याचा विचारपूस केली त्याच्याकडे की बाबा ही वाळू कुठून आणली तू काय आणली. तर तो असंबंध उत्तर द्यायला लागला. त्याच्याकडे सखोल चौकशी केली. त्यांनी सांगितलं की ती वाळू त्यांनी बिना घाट बिना संगम घाट येथून आणलेली आहे. त्या वाळूबद्दल त्याच्याकडे कागदपत्र विचारली त्यांनी कोणतेही कागदपत्र नाही आहे माझ्याकडे किंवा रॉयल्टी पण नाही असं सांगितलं. तो ती वाळू त्यांनी चोरून आणली असं निष्पन्न झाल्याने त्याच्याविरुद्ध आणि त्याच्या मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून दोघांनाही अटक केलेली आहे. आज आम्ही कोर्टामध्ये त्यांचा पीसीआर मागत आहे. शासनाचे जे नियम आहे त्या नियमानुसार त्यांनी वाळूचा व्यवसाय करावा बेकायदेशीर व्यवसाय करू नये. यापुढे परत बेकायदेशीर वाळू वाहतूक आणि विक्री करताना मिळून आमच्या पोलीस 5 पावली हाती मिळून आल्यास आम्ही कारवाई केली विश्वास पडणार नाही. नागपूर के शांतीनगर पुलिस स्टेशन के तहत भी कुछ अलग अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जबकि भांडे प्लॉट स्थित एक आरोपी को हथियार के साथ शांतिनगर पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है. माननीय पुलिस उपायुक्त साहेब डिटेक्शन यांच्या मार्गदर्शनाखाली अवैध शस्त्र बाळगणारे इसमाविरुद्ध आम्ही मोहीम राबवित असताना आम्ही स्वतः पोलीस उपनिरीक्षक अरुण बकाल तपास पथक पोलीस स्टेशन शांतीनगर तसेच आमच्यासोबत तपास पथकाचा स्टॉप असे आम्ही या मोहिमेअंतर्गत परिसरामध्ये पेट्रोलिंग करीत असताना इतवारी रेल्वे स्टेशन या ठिकाणी आम्हाला एक इसम संशयास्पदरित्या दिसून आला.
तो आम्हा पोलिसांना पळून जात असताना त्याला स्टॉपच्या मदतीने पकडले आणि त्याची धडती घेतली असता त्याच्याजवळ शस्त्र मिळून आले. त्याचे नाव त्याने नरेंद्र उर्फ बाली चिंतामण बोकडे राहणार कुंदनलाल गुप्ता नगर असे त्याने सांगितले. त्याच्याजवळ शस्त्र मिळून आल्याने आम्ही त्याच्याविरुद्ध कलम 425 भारतीय हत्या कायदा, कलम 135 महाराष्ट्र पोलीस कायद्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली आहे. यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बाकी की खबरों पर नजर डालते हैं इस ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. नागपुर तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मंगलवार को सरकारी राशन की कालाबाजारी करने के संदेह पर दो आरोपियों सहित अनाज के 70 बोरे जब्त किए गए. नागपुर तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मंगलवार को सरकारी राशन की कालाबाजारी करने के संदेह पर दो आरोपियों सहित अनाज के 70 बोरे जब्त किए गए. मिली जानकारी के मुताबिक कार्रवाई तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत बताई जा रही है, जिसे शहर के सेंट्रल एवेन्यू रोड से तहसील पुलिस ने अपने काबू में किया. टाटा गाड़ी को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तब उसमें सरकारी अनाज की 70 बोरियां होने की जानकारी सामने आई, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस को संदेह है कि सरकारी अनाज की कालाबाजारी का ये मामला है, जिसके तहत कार्रवाई की गई है. आज दिनांक 27/10/2021 रोज को सवेरे एपीआई बाबूल और उनका पतक पेट्रोलिंग कर रहा था, तब सीए रोड पे उनको अंबाजरी से कड़ाना जाते हुए एक अशोक लेलैंड की मेटाडोर गाड़ी सफ़ेद रंग की संशयास्पद स्थिति में मिली. गाड़ी में रोका तब गाड़ी में ड्राइवर सैयद इरफान अली वर्दर सैयद आजम अली, उम्र 28 साल, इटा भट्टी चौक धम्मदीप नगर पीएस यशोदा नगर, और गाड़ी में क्लीनर हीरेंद्र उर्फ मोटू भूषणलाल शाहू उम्र 21 साल, इटा भट्टी चौक धम्मदीप नगर पीएस यशोदा नगर बैठे थे. गाड़ी का सर्च किए तो गाड़ी के पीछे मेटाडोर में कुल गवर्नमेंट के राशन के 70 बोरे कुल 3 टन चावल बिना कागज पत्र से प्राप्त हुआ. हमारे पतक एपीआई बाबुल को इसमें शंका है कि ये गवर्नमेंट का राशन का चावल होगा, इसलिए उसको पुलिस हथ में पुलिस स्टेशन तहसील में ला के जब्त ही है. और अभी फूड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर इनको लेटर दिया है और उनको जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएंगी. उधर नागपुर महानगर पालिका द्वारा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा करियर मार्गदर्शन केंद्र का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों किया गया. यह मार्गदर्शन केंद्र सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा. विद्यार्थियों के लिए नागपुर मनपा द्वारा शिक्षा करियर मार्गदर्शन केंद्र शुरू किया गया. इस मार्गदर्शन केंद्र के जरिए विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जाएगी. इस मार्गदर्शन केंद्र का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों किया गया. यह मार्गदर्शन केंद्र सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा. नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही एक काउन्सिलिंग सेंटर उद्घाटित केला आणि त्या काउन्सिलिंग सेंटरला चांगला प्रतिसाद मिळाला. जे गरीब विद्यार्थी ज्यांना ऑनलाईनचा सिस्टम समजत नाही, ज्यांना काही त्रुटी असतात किंवा मिळालेल्या पर्सेंटप्रमाणे कोणती चॉईस भरायची हे कळत नाही, ते इकडे येऊन स्वतः आमच्याकडनं मार्गदर्शन घेतात. आणि एक सामाजिक संस्थेचा माणूस उमेश कोठारी निःशुल्क त्याचं मार्गदर्शन करतो. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर, विद्यार्थ्यांची चांगल्या संख्या आल्यानंतर माझ्या डोक्यात एक विषय असा होता की एक सिनियर सिटिझनसाठी आणि सोबतच जे एक्स सर्व्हिसमॅन आहे यांच्यासाठीसुद्धा ही व्यवस्था उभी व्हावी. या दृष्टीने 1 ऑक्टोबरला सिनियर सिटिझन डे होता, त्यासाठी सिनियर सिटिझन कौन्सिल ऑफ नागपूर
हे नागपूर डिस्ट्रिक्टचे जे सीनियर सिटीजन कौन्सिल आहे त्याचे लोक डॉक्टर रेवतकर यांच्या नेतृत्वात मला भेटायला आले. आदरणीय खर्चेजी जे अध्यक्ष आहेत ते भेटायला आले. त्यांच्या डोक्यात सीनियर सिटीजनचा एक कार्यक्रम घ्यायचा होता. मी त्यांना सांगितलं एकच नाही, महानगरपालिका आझादीची 75वी वर्षगाठ आहे म्हणून जास्त कार्यक्रम घेईल आणि वेगवेगळे कार्यक्रम त्या दिवशी आयोजित केले. आणि मी त्यांना निवेदन केलं की जसा हा कक्ष सुरू आहे तसा सीनियर सिटीजनचा कक्ष सुरू झाला तर जे सीनियर सिटीजन लोक महानगरपालिकेच्या परिसरात येतात, नवीन बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग एक डिपार्टमेंट दुसरा डिपार्टमेंट कळत नकळत त्यांना इकडे तिकडे फिरावं लागतं, त्यांची गैरसोय नाही झाली पाहिजे म्हणून एका कक्षात जर सीनियर सिटीजनची कंप्लेंट आली शिकायत आली आणि त्याचा तोडगा महापौर कार्यालयाच्या माध्यमातून करू शकलो तर ते जास्त सोयीस्कर होईल आणि सीनियर सिटीजनला दिलासा देण्यात महानगरपालिकाकडनं एक कदम उचलण्यात आलेला असा दिसेल. पण याच्यासाठी महानगरपालिकेचा कर्मचारी बसला तर त्याची वागणुकीची आम्ही जबाबदारी घेऊ शकत नाही म्हणून सीनियर सिटीजन कौन्सिलचाच माणूस बसायला पाहिजे असं मी निवेदन केलं. माझ्या निवेदनाला या संस्थेने स्वीकृती दिली आणि आज आम्ही उद्घाटन केलं. दर मंगळवारी आणि गुरुवारी आठवड्यात 2 दिवस सीनियर सिटीजन या कक्षात येतील. त्यांची जेवढी मागणी आहे त्यांची शिकायत आहे सर्व एका ठिकाणी एकत्र करण्यात येईल आणि डिपार्टमेंट वाईज त्याची स्क्रुटनी करून महानगरपालिकेच्या महापौर कार्यालयातून त्या समस्याचं निराकरण करण्याच्या दिशेने आम्ही वाटचाल करू. याच्यामुळे सीनियर सिटीजनला मोठा दिलासा मिळेल असं मला वाटतं. एक बाब मी बोलू इच्छितो. जेव्हा आम्ही कौन्सिलिंग सेंटर उघडला होता तेव्हा आम्हाला वाटत होता मुलांची आम्हाला फक्त कौन्सिलिंगच करायची आहे. पण एक वेगळाच सोशल कॉज आमच्याकडे लक्षात आला. महानगरपालिकेचे जे गरीब विद्यार्थी महानगरपालिकेच्या कौन्सिलिंग सेंटरमध्ये आले आणि आम्ही त्यांना कौन्सिलिंग केली तो जे OBC वर्ग आहे ॲडमिशनसाठी क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट नितांत आवश्यक असतो आणि कोणत्याही विद्यार्थीकडे क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट नव्हता. मग मी महानगरपालिकेच्या समाज कल्याण विभागासोबत बोललो आणि महानगरपालिकेच्या समाज कल्याण विभाग कलेक्टर ऑफिससोबत बोलून महानगरपालिकेच्या शाळेंमध्ये शिकणारे जे विद्यार्थी आहे त्यांचे कास्ट सर्टिफिकेट बनवण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिका आपली यंत्रणा स्वतः उभी करत आहे. म्हणजे एका कामाचा मागे लागलं तर दुसरा काहीतरी चांगला निष्पंदन होऊ शकतं याचं उत्कृष्ट उदाहरण हा आहे ज्याच्यामुळे मुलांना आम्हाला दिलासा देण्यात येईल. तसंच या प्रक्रियेच्या माध्यमातून आणखीन काही अमृत निघाला तो ते सुद्धा आम्ही करू अशी मी गवाही देतो. खरं तर समाजाची आवश्यकता आहे ज्या लोकांच्या भरोश्यावर या देशात आझादीची 75वी वर्षगाठ आपण गाठत आहोत, ज्यांच्या प्रयत्नामुळे ज्यांच्या अनकथ कथांमध्ये ज्यांच्या मेहनतीमुळे या देश घडवण्यात आलेला आहे त्या लोकांबद्दल समाजाची जी जबाबदारी आहे ते समाजाने निभावली पाहिजे त्या दृष्टीने हा माझा पाऊल आहे. आणि याच्यात कोणत्याही प्रकारचं राजकारण नाही. मला आपण सांगितलं की कोणत्याही महानगरपालिकेत असा कक्ष नाही आहे. मी निवेदन करतो आपल्या माध्यमातून की प्रत्येक महानगरपालिकेत सीनियर सिटीजनसाठी एक कक्ष असणं नितांत आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने सगळ्यांनी प्रयत्न करायला पाहिजे अशी मी अपेक्षा बाळगतो. पोलीस विभागाने नागपूर शहर को ड्रग फ्री करणे की मोहीम सुरू कर दी है. नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ लगातार कारवाई जारी है. सोमवार की रात पुलिस ने विशेष अभियान भी चलाया. गांजा विक्रेताओं के साथ साथ सेवन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई. पुलिस विभाग ने नागपुर शहर को ड्रग फ्री करने की मुहिम शुरू कर दी है. नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. सोमवार रात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया. गांजा विक्रेताओं के साथ साथ सेवन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई. शहर के युवाओं में नशे की लत बढ़ती ही जा रही है. इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और जॉइंट CP अश्वती दोरजे ने क्राइम ब्रांच को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए. सभी नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा. DIG सुनील फुलारी और DCP चिन्मय पंडित ने पूरी क्राइम ब्रांच को इस काम में लगाया. NDPS सेल के अलावा सभी 5 यूनिट के अधिकारी कर्मचारियों और 33 स्थानों के DB स्क्वाड ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की. रात 12 बजे तक अलग अलग स्थानों पर छापामारी की गई. कुल 51 मामले दर्ज किए गए. नशीले पदार्थ बेचने वाले 5 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए. गांजा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते 61 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया. उनसे 1,11,000 रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए. पुलिस आगे भी यह कार्रवाई जारी रखेगी. नागपुर को ड्रग फ्री सिटी बनाने के लिए नागरिकों से भी अपील की जा रही है. नशीले पदार्थ बेचने वालों और सेवन करने वालों के बारे में यदि किसी को जानकारी हो तो क्राइम ब्रांच को दी जाए. ऐसी जानकारी क्राइम ब्रांच ने दी है. माननीय पुलिस आयुक्तांनी दिनांक 26/10/2021 रोजी नागपूर शहरातील सर्व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना आदेश दिले की त्यांच्या परिसरामध्ये कुठेही अवैध धंदे गांजा दारू ड्रग्स विक्री होऊ नये आणि विशेष दिनांक 26/10/2021 24 वाजतापर्यंत विशेष कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने माननीय पोलीस आयुक्ताच्या आदेशान्वये पोलीस स्टेशन तहसील अंतर्गत आम्ही 3 वेगवेगळे पथक तयार करून काल दिनांक 26/10/2021 रोजी गांजा सारखे मादक द्रव्य सेवन करणारे 3 लोक ज्यामध्ये
मोहम्मद राजा वल्द मोहम्मद फराज मुकाम टिमकी, मोहम्मद तनवीर वल्द रसलत अंसारी टिमकी और मोहम्मद जकीर वल्द जब्बार अंसारी अंसार नगर धोबी मोमिनपुरा, इनको हिरासत में लिए। वो गांजा का सेवन कर रहे थे। NDPS एक्ट कलम 27 के मुताबिक उनके ऊपर गुना दाखिल करके उनको लॉकअप में डाले। आज उनको विद्यमान कोर्ट में कुटक किए हैं। ये तीनों गांजा सेवन करने वाले आरोपी, इन्होंने गांजा कहाँ से लिया था इसका अभी तपास चालू है और अगली कार्रवाई चालू है। कल जो केस किए उसमें तीन प्रकरण NDPS के अंतर्गत दर्ज किए और इसमें तीन आरोपी को अटक करके विद्यमान कोर्ट में आज रोजी पुटअप किए हैं। अभी जो गांजा सेवन कर रहे थे वो गांजा इन्होंने कहाँ से प्राप्त किए इसका तपास पुलिस कर रही है। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गए बिजली विभाग के ही कर्मचारियों के साथ दो भाइयों ने जमकर विवाद किया। लाठी से वार कर एक कर्मचारी को जख्मी कर दिया गया और वाहन फोड़ने की धमकी भी दी। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ दो भाइयों ने जमकर विवाद किया। लाठी से वार कर एक कर्मचारी को जख्मी भी कर दिया और वाहन फोड़ने की धमकी दी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। तहसील पुलिस ने खदान निवासी हरीश रज्जूलाल नायक की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों में टिमकी रोड नाल साहब चौक निवासी सतीश बच्चूलाल गुप्ता और गौरव आनंद गुप्ता का समावेश है। हरीश गांधीबाग कार्यालय में काम करता है। मंगलवार की सुबह अपने स्टाफ के साथ एरिया में बकाया बिल राशि वसूलने और कार्रवाई करने गए थे। गुप्ता बंधुओं ने बिजली का बिल नहीं भरा था। बिजली कर्मियों ने उन्हें कम से कम 50% राशि भरने के बाद ही बिजली की लाइन शुरू रखने की जानकारी दी। इससे दोनों चिढ़ गए। सतीश ने हरीश के साथ गाली गलौज कर लाठी से प्रहार किया जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट लगी। गौरव ने हाथ में पत्थर उठा लिया। कार्रवाई करने पर गाड़ी फोड़ने की धमकी दी। तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। तहसील पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया है। गंगा जमुना में कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा किए गए नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए मुकेश साहू की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार कर इसे जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत करने के आदेश दिए। साथ ही अदालत ने जनहित याचिका के नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई पूरी करने तथा याचिका में सुधार करने की स्वतंत्रता देते हुए 17 नवंबर को याचिका सुनवाई के लिए प्रेषित करने के भी आदेश दिए। गंगा जमुना में कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा किए गए नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए मुकेश साहू की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार कर इसे जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत करने के आदेश दिए। साथ ही अदालत ने जनहित याचिका के नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई पूरी करने तथा याचिका में सुधार करने की स्वतंत्रता देते हुए 17 नवंबर को याचिका सुनवाई के लिए प्रेषित करने के भी आदेश दिए। याचिका में बताया गया कि कानून इस तरह का व्यवसाय किसी भी सार्वजनिक स्थान, स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल आदि से 200 मीटर के दायरे में स्वीकृत नहीं होने का हवाला देते हुए पुलिस आयुक्त ने 25 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी की, जिसके बाद लकड़गंज पुलिस के माध्यम से गंगा जमुना में रहने वाली महिलाओं को उनके घरों से बेदखल किया गया। कानून इस तरह के किसी भी व्यक्ति को उसके घर से बेदखल करने का अधिकार किसी को नहीं है, किंतु इस तरह से कार्रवाई किए जाने से जीने की मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। याचिका में बताया गया है कि गंगा जमुना में यह व्यवसाय दशकों से किया जा रहा है, जबकि स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल आदि उसके बाद में यहां स्थापित हुए हैं, जिसे पुलिस आयुक्त की ओर से नजरअंदाज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि दशकों से यहां इस तरह का व्यवसाय चल रहा है। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना में कुछ लोगों द्वारा यहां चलने वाले इस व्यवसाय पर आपत्ति जताई गई। वित्तीय गतिविधियां काफी समय से चल रही हैं। इसकी भलीभांति जानकारी होने के बावजूद कई लोगों ने परिसर में आवास खरीदा। याचिकाकर्ता ने कहा कि समाज में दो धड़े हैं, जिसमें से एक इन्हें अपनी जगहों पर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, जबकि दूसरा धड़ा समाज के लिए यह घातक करार देकर उन्हें विस्थापित करने की मांग करता है। कानून और नियमों के अनुसार यदि इन्हें विस्थापित भी करना हो तो उसके लिए सर्वप्रथम योजना घोषित करनी चाहिए, जिसके बाद यदि संबंधित व्यक्ति की सहमति हो तो उस योजना पर अमल किया जा सकता है, किंतु इस तरह की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई।
आदेश जारी कर जबरन लोगों को उनके कमरों से बाहर कर सील ठोक दिया गया, जिससे आयुक्त द्वारा जारी आदेश को अवैध करार देकर निरस्त करने की मांग याचिका में की गई। तो आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात आपसे कल, तब तक लिए देखते रहिएगा वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।